बोरियो प्रखंड में मनरेगा योजनाओं में हुई फर्जी निकासी को लेकर उप प्रमुख कैलाश प्रसाद ने उपायुक्त को पत्र लिखकर जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। बोरियो प्रखंड में मनरेगा योजनाओं में हुई फर्जी निकासी को लेकर उप प्रमुख कैलाश प्रसाद ने उपायुक्त को पत्र लिखकर जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वीडियो बीपीओ सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक एवं अन्य बिलौचियों की मिलीभगत से मनरेगा मद की राशि से राजस्व गबन किया जा रहा है। उन्होंने आरोपियों पर न्याय संगत कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी कर्मियों व बिचौलियों की मिलीभगत से मनरेगा योजना कार्य में करीब 5 से 10 करोड़ रुपए के बीच फर्जी निकासी की गई। प्रखंड अंतर्गत जेठ के कुमार जोरी पंचायत में तालाब निर्माण, बोरियो स्थली पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण, मोती पहाड़ी बड़ा पंचायत में मेड़बंदी योजना में कार्य किए बिना फर्जी निकासी करने का दावा किया है। उन्होंने राज्य सरकार समेत केंद्र सरकार को भी पत्र लिखकर बोरियो प्रखंड में संचालित मनरेगा योजनाओं की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। वहीं बोरियो प्रखंड विकास पदाधिकारी टूडू दिलीप ने लिखित शिकायत आने पर जांच कराने की बात कही है। कैलाश प्रसाद ने आरोप लगाया कि वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 और 21-22 में करोड़ों रुपया का मनरेगा के तहत फर्जी निकासी किया गया है। इस पर क्या बताएं? आप इस पर क्या कहेंगे? हमको उस बारे में कुछ नहीं कहना है। अगर कोई लिख करके कंप्लेंट करता है तो उसको हम जांच कराएंगे। उनका कहना है कि उनके पास सारा सबूत मौजूद है और गठित जांच दल के समक्ष वो प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। आपको अगर वो देते हैं तो उस पर जांच कराएंगे। बोरियो प्रखंड में संचालित मनरेगा कार्य योजना में वित्त वर्ष 19-20, 20-21 एवं 21-22 में करोड़ों रुपये का फर्जी निकासी किया गया है, जिसका साक्ष्य हमारे पास है और ये साक्ष्य में गठित जांच दल के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और यह मामला में प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी, जेई, एई, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक एवं मिचोलिया की मिली भगत से पैसे का फर्जी निकासी किया गया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए साहिबगंज झारखंड से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।